हनुमान गली में आज हो रहा है हंगामा, जबरदस्त हंगामा, क्योंकि एक बहू अपनी सास से अपना हक मांग रही है और खुद मीना बहू उसका साथ दे रही है। हाँ, सब शांत हो जाइए, मीडिया वाले आ गए हैं आपका इस आंदोलन में साथ देने। मीना जी, ये मामला क्या है? अरे मैं क्या बताऊँ, ये दुखियारी मारी नौकरन, इसका अभी अभी क्या हुआ था और इसकी चालाक सास ने पता है क्या किया, अपने बेटे का दूसरा ब्याह रचाने जा रही है, अन्याय हो रहा है। भैया मैं ठीक से दिख रही हूँ ना? मीडिया वाले भी आए हैं और यहाँ नारेबाजी भी चल रही है। ये अन्याय, ये अन्याय, मैं नहीं होने दूंगी, मीना सैनी नहीं होने देगी, नारा। क्योंकि रानी का पति दूसरी बार शादी करने की तैयारी जो कर रहा है और रानी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मीना मिंदणी ने उसका साथ देने का मन बनाया है और खुद ही अपनी तस्वीरों वाले पोस्टर भी बनाए हैं। जिसमें तरह तरह के सूत्र लिखे गए हैं। मगर जब मीना ने रानी की सास को घर से बाहर निकलने के लिए कहा और वो कैसी है, कौन से रंग की साड़ी पहनी है, ऐसा जब रानी को कहने के लिए कहा गया, तब रानी ने डरते डरते साड़ी का जो रंग बताया वो सुनकर लोग हैरान रह गए, सब मीना को देखने लग गए। मीना बिंदनी कुछ समझ नहीं पाई। नीले रंग की साड़ी वाली तब रानी ने थैले से कांच निकालकर मीना बिंदनी के सामने धर दिया तो मीना को तो मानो नानी याद आ गई। सब लोग मने ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, कटे है थारी सास, हाँ नीले रंग वाली कटे है। मैडम जी, हाँ नीला रंग। जो एक पल पहले रानी का साथ दे रही थी वो रानी को बहू मानने से इनकार करने लग गई। मीना बिंदनी की सारी इच्छाएं धरी की धरी रह गई और रानी ने सफलता पा ली। बिल्कुल मीना बिंदनी को उसके जैसी ही चालबाज बहू मिली है। अब पोस्टर की लाइनों के तर्ज पर मीना अपनी रानी बहू को सताएगी तो राम जी के घर जरूर जाएगी और भाभो कहती रह जाएगी, हे मारा राम जी। मीना बिंदनी, अब तो आशीर्वाद दे दे टावरा ने। एक और यहाँ हनुमान गली में रामायण चल रही थी, वहाँ कनक श्री कृष्ण लीला को वर्णन करने वाले किताब छुपा रही है। न जाने उमा शंकर से अब क्या छुपाने की कोशिश कर रही है कनक। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।